वेलकम सीआई दोस्तों, अभी तक हमने सीआई के 3 से 4 एपिसोड बनाए हुए हैं। उनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। आज दोस्तों कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन यहाँ पर हैं। अभी तक मैंने आपको सिर्फ छमाही का आपको बताया था, हाइपरली का जो कि छमाही, और आपको तिमाही का बताया, और कैसे वार्षिक वाला मैंने आपको बताया। सभी प्रकार के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको क्लियर कराए। आज आपको देखिए उसमें से कुछ अलग अलग क्वेश्चंस हैं, हम उनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से दोस्तों पहले मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूं। देखिए, मान लीजिए हम पी को मानते हैं 100, पी मींस मूलधन, और रेट मान लीजिए आपका है 10%, ठीक है। ये आपका है, यहां पर जो वैल्यू आप दोस्तों आपकी आती है ऊपर, ये आपका क्या होता है एसआई, ठीक है। यहां जो वैल्यू आती है वो 10% आएगा, क्या आता है 100 का 10% आती है, 10, ठीक है, परसेंट नहीं, हालांकि मैंने आपको समझाने की बोल रहा हूं, यहां पर 10% आता है, और साधारण ब्याज में सभी वर्षों में समान ब्याज मिलता है आपको, ठीक है। तो ये 10% हो गया, मैं 2 ईयर की बात कर रहा हूं, ठीक है, 2 ईयर की बात कर रहा हूं। 10% हुआ, यहां पर क्या दोस्तों होता है, ये आपका होता है डिफरेंस, किसका, एसआई और सीआई का डिफरेंस होता है। तो यहां पर देखिए 10% यहां पर जो ब्याज मिलता है वो इसका मिलता है, इस लाइन के इस तरफ वाले जो भी अमाउंट होंगे उसके ब्याज मिलेंगे। तो आप देखिए 10% क्या हुआ, 1। अब आप कुछ देखिए, यहां पर अगर हम माने कि एसआई कितना है तो आप बताएंगे 20%, 10 और 10 20%, ठीक है। अगर आप बोले सीआई कितना है, 10, 10, 20 और 1, 21%। आप बोले कि डिफरेंस कितना है तो आप देखेंगे 1%। आप कहेंगे सर अमाउंट कितना परसेंट है, तो आप अमाउंट निकालिए, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सीआई, 121%। बताइए, इन सभी से आपका कुछ भी निकल सकता है, ठीक है। चलिए, आपको दिया क्या गया था, पी दिया गया था, और P दोस्तों होता है कितना, P बराबर आपका होता है 100%, ठीक है ना। P आपको 100 है, बताइए कितने टाइम्स है, 1 times, तो अमाउंट भी आपका 1 times होगा, डिफरेंस भी आपका 1 times होगा, देखिए 1 ही है आपका, CI आपका 1 time होगा 21, और SI भी आपका 1 time होगा 20। ये एक ही वैल्यू से आपके सारे अमाउंट निकल के आ गए। देखिए अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, और हो सकता है आ भी गया हो, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। किसी निश्चित राशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपये है, तो उसी दर पर वे उसी समय में सीआई क्या होगा। देखिए 2 वर्ष है ना, तो मैंने 2 वर्ष यहां पर बना लिया, ठीक है। रेट कितना है, आप रेट देखेंगे तो 10% है आपका, ठीक है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपये है, देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 है ना, और ब्याज हर वर्ष समान रहता है, 200 वर्ष का 600 है, तो 1 वर्ष का कितना हुआ, 300 हुआ या नहीं हुआ, बताइए 300, ठीक है, 2 वर्ष का कितना हुआ 300। अब पूछा गया है आपसे, पूछा गया उसी समय या उसी दर पर सीआई बताइए, सीआई मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, मीन्स पूरा अमाउंट बताना आपको, पूरा अमाउंट के लिए देखिए 2 वैल्यू आपके पास है, कौन सा बचा आपका, डिफरेंस वाला, ये वाला आपके पास बचा। अब देखिए यहां पर कौन सा वैल्यू आता है दोस्तों, देखिए कुछ नहीं करना आपको, यहां पर कौन सी वैल्यू आती है आप देख सकते हैं, जो रेट दिया जाता है उसका परसेंट यहां पे आता है,
ये यहां पर आपका ब्याज शून्य होता है क्योंकि इससे पहले कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है। और ब्याज हमेशा साधारण ब्याज हर वर्ष समान रहता है, तो 600 है दो वर्षों में, तो एक वर्षों में कितना हो जाएगा, 3300 हो जाएगा। अब यहां पर वैल्यू क्या आती है, आप देख सकते हो आर 10% है, तो इसका 10% यहां पर आएगा, और इसका 10% कितना होता है, बस पीछे से एक अंक हटा दीजिए, 30, ठीक है। आप देखेंगे सीआई पूछा था, सीआई पूरा होता है टोटल 300, 300, 600 और 30, 630 आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों एक बात ध्यान देने वाली और है, आप जब समझेंगे सोचेंगे उसके बाद आपको ये अनुभव होगा। देखिए आपका ऐसा ही कितना था, इसकी चर्चा मैं आगे सवाल में करूंगा, इसलिए आपको आज बताना जरूरी है। ऐसा ही आपका 600 था, जनरली ऐसा होता है, मैं 100% नहीं बोल रहा हूं, जनरली ऐसा होता है। और सीआई आपका कितना है, 630। आप देख रहे हैं दोस्तों ये अच्छा अमाउंट लग रहा है 600, और ये 630 जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 30। मींस एसआई का जो अमाउंट होता है लगभग वो सही फिगर में आता है, 600, 500, 300, और जब एसआई जोड़ देते हैं तो वही अमाउंट थोड़ा गड़बड़ करता है, मतलब देखने में अच्छा नहीं लगता है, 300 हो गया, 250 में 50 बाहर निकाल लो, 10 बाहर निकाल लो, 651 है तो क्या पता 51 आपको बाहर निकालना पड़े। तो ये कुछ जो अंतर होता है, जब आप धीरे धीरे सवाल लगाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो अलग अमाउंट होती है वही प्रॉब्लम करता है, वही आपका डिफरेंस होता है इसका, ठीक है ना। आगे देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसी को मैं जरा, जो मैंने अभी आपको बताया था पीछे, उसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूं। देखिए आपको ऐसा ही करना दिया था 600 रुपए, ठीक है, रेट आपकी क्या थी 10%, ठीक है। ये आपको क्या दिया था और आपसे पूछा क्या था, सीआई। चलिए देखिए 10% हुआ ना, क्योंकि मैं पी को हमेशा 100% मानूंगा, 100 मानूंगा, उसी के हिसाब से मैं इसको सॉल्व करूंगा। 10 हुआ, ये 10 हुआ, इसका 10% कितना हुआ, 1। सीआई क्या होता है, पूरा 10, 10, 20 और 21 21% बराबर पूछा गया आपसे, और दिया क्या गया है? आप देखिए 10 और 10 20%, 20% आप देखा दोस्तों आपका कितना था, 20% आप देखिए कितना था, 600। बताइए 600 था या नहीं था, आपने यहां देखा 30 टाइम हुआ या नहीं हुआ, बताइए कितने टाइम हुआ, 30 टाइम। तो ये भी दोस्तों कितने टाइम होगा, 30 टाइम। आप देखेंगे तो 630 निकल के आपका आ जाएगा, वही आपका आंसर वहां आ रहा था, ठीक है। पी को 10 मानेंगे, 100 मानेंगे, देखिए यहां पर 10%, यहां पर 15, 20 कुछ भी हो सकता है, बस आप उसको वहीं पर रखिए, जैसे 20% होता रेट, 20, 20 यहां पर पूरा जाता, ठीक है ना। आप देखेंगे क्या होगा, 10% है ना, 10, 10 और 10 का 10% 1, आप देखेंगे हम ये परसेंटेज से निकाल रहे हैं वैल्यू, परसेंटेज से निकाल रहे हैं। 21% आपसे पूछा गया, क्योंकि आपका ये सीआई होता है, दिया क्या गया आपको, 20%, तो 20% बराबर आपको पता है 600 है, ये जितने टाइम्स होगा उतने टाइम्स आपका ये भी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी राशि पर 6% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपए है, तो सीआई व एसआई का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए अगर इसको बेसिक से करेंगे तो बहुत लंबा आपका चला जाएगा, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, देखिए 2 वर्ष है, मैंने 2 वर्ष बनाया यहां पर, किसी राशि पर 6% की दर से, ठीक है, यहां पर आपका आर क्या है, 6% है, ठीक है ना। और इस साधारण ब्याज 2 वर्ष का वो 60 रुपए, अब देखिए 2 वर्ष का 60 है तो 1 वर्ष का कितना होगा, 30, क्योंकि सी एस आई हमेशा बराबर रहता है, तो 2 वर्ष का 60 है तो 1 वर्ष का 30, 30 हो जाएगा। अब पूछा गया है कि ये अंतर आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है, तो देखिए मैंने आपको कल ही बताया था या पिछले वीडियो मैंने बताया था, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर अमाउंट कौन सा आता दोस्तों, इस लाइन के इस तरफ वाले, इस तरफ कितना है, 30 ही तो है, तो 30 का 6% आपको बताना है,
देखिए 10% क्या होता है, तीन होता है ना, 10% आपका 30 हुआ, तो 10% 30 हुआ, तो 1% आपका क्या हुआ दोस्तों, 0.3। बताइए 10% आपका 3 हुआ, देखिए 30 बराबर 100% हुआ कि नहीं हुआ, 10% आपका क्या हुआ 3, और 1% आपका क्या हुआ 0.3। 1% बराबर 0.3, तो 6% बराबर कितना होगा 18.1। ठीक है, तो इन कंडीशन में 6% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 60 है, तो CI व SI का अंतर आप देख रहे हैं कितना होगा 1.8। कितनी आसानी से हमने इसको फाइंड किया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 1.8। मैंने पूछा था यहाँ पर अंतर, पूछा है अंतर कहाँ होता है, यहाँ पर होता है, 2 वर्ष में अंतर यहाँ होता है। ठीक है, तो इसका मैंने 6% निकाल दिया, वही आपका अंतर निकल के आ जाता है। आगे देखते हैं, इसका देखिए 1500 रुपए की राशि पर 2 वर्ष में 10% की वार्षिक दर से CI व SI का अंतर निकालिए। चलिए देखते हैं, अब यहां पर आपको ये राशि दी गई है, P दिया गया कितना 1500। ठीक है, आपको 2 वर्ष दिए गए, मैंने यहां बना लिया, R आपको दिया गया 10%। आपसे क्या पूछा है, ये पूछा है इसका अंतर पूछा है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, P का 10% है ना, तो देखिए 10% क्या होगा, पीछे से एक अंक हटा देंगे 150 रुपए। अब 150 यहां मिलेंगे दोस्तों, 150 यहां पर भी तो आपको मिलेंगे, क्योंकि साधारण ब्याज हर वर्ष समान रहता है। अब यहां पर आपको क्या मिलेगा, इसका कितना परसेंट, 10%। 10% क्या होता है दोस्तों, देखिए 15, बस आपका आंसर हो जाएगा 15 रुपए आपका इसका अंतर हो जाएगा। ठीक है ना, CI और SI का। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा 15 रुपए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अंतर पूछा जाए, बस इसका आपको जो रेट दिया गया उसका यहां पर आप निकाल के रख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाता है। आगे देखें, वह राशि क्या होगी यदि 4% की दर से 2 वर्ष का CI और SI का अंतर 32 हो। तो देखिए आपको क्या दिया गया है, ये वाला अमाउंट दिया गया है 32 दिया गया है। ठीक है, रेट क्या दिया गया है 4%, पी आपको पता नहीं है, वही आपसे पूछा गया है। अब इसमें वही फॉर्मूला काम आएगा जो मैंने पहले आपको बताया था, कैसे, देखिए पी मैं क्या मानता हूं 100% या 100। ठीक है, अब देखिए यहां पर 4% के रेट से 4 आया, वहां पर मैंने 10 माना था, अब 4 यहां है, तो दोस्तों 4 यहां पर का यहां पर भी होगा। अब यहां पर क्या गया, देखिए 4 का 4% क्या हुआ 0.16, 4 का 4% क्या हुआ 0.16, तो 0.16 दोस्तों ये सारी वैल्यू परसेंटेज में आ रही है, 0.16% इक्वल टू कितना हुआ 32। 0.16 इक्वल टू क्या हुआ 32। अब इसको सॉल्व करना है, निकालना आपको क्या है पता है, आपका निकालना है 100%, क्योंकि आपसे पी पीछा पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाता कि SI बताइए तो 4.48% आपका आ जाता, पूछा जाता कि CI बताइए तो 8.16% आपसे पूछा जाता। ठीक है ना, तो आपसे क्या पूछा गया है, राशि मीन्स मूलधन, और मूलधन क्या होता है 100%, ये आपसे पूछा गया है। देखिए यहां पर हम पॉइंट हटाएंगे, दो जीरो आपकी लगेगी। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये कितने टाइम्स है, 16 × 2 = 32 और 2 जीरो 200 times है, तो ये भी आप क्या हो जाएगा 200 times, तो आप देखेंगे कितना निकल के आएगा आपका 20,000 रुपए। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। फिर से देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, ये आपका क्या दिया गया था, रेट दिया गया था सिर्फ, और अंतर दिया गया था, आपसे पूछा था मूलधन बताइए, तो मैंने जैसे पहले आपको बताया था यह 10% होता है, यहां पर उसका अंतर 1% होगा। इसी प्रकार से मैंने बोला ना 4% तो 4 से निकालेंगे, 10% तो 10 से निकालेंगे, 20% तो कितना भी परसेंट हम उसी से निकालेंगे, यहां पर 4% था
तो 4%, अगले वर्ष भी 4% मिलेगा, अब यहां पर इसका अंतर मिलेगा, 4% का 4% कितना होगा 0.16 बराबर आपको वैल्यू कितनी दी थी 32 और 100% आपसे पूछी थी क्योंकि हम राशि को 100% ही मैंने माना था। ठीक है, अगर किसी दोस्तों को यह समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 0.16 बराबर दिया गया आपको 32 तो 100% बराबर क्या होगा, इसको भी सॉल्व करेंगे आप, वही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर 3 वर्ष की बात की गई है। ठीक है, यदि 3 वर्ष में 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि 150 है, देखिए 3 वर्ष में एसआई जो आपका है वो 150 है, 3 वर्ष में आपका 150 है। ठीक है, तो 1 वर्ष में क्या होगा 50 50 50, क्योंकि एसआई जो होता है हर वर्ष समान रहता है, अगर 3 है तो 3 का भाग दे देंगे, 2 वर्ष का है तो 2 का भाग दे देंगे, 50 50 50 निकल के आया। रेट आप देखेंगे क्या है 5% है। आपसे बोल रहा है कि उसी राशि पर सीआई ज्ञात कीजिए। सीआई कैसे निकालेंगे, देखिए पहले वर्ष आपको क्या मिलेगा 0, यहां पर क्या मिलेगा इसका अमाउंट आता है और यहां पर इसका भी आएगा, इसका भी आएगा और इसका भी आ जाता है, मतलब आप लाइन खींच लेंगे, लाइन के इस तरफ जो भी वैल्यू होगी उसका यहां पर ये परसेंट आता है जो कि अंतर बोलते हैं उसे, और सभी को जोड़ते हैं उसको सीआई बोलते हैं। देखिए 5% है तो इसका 5% हम कैसे निकालेंगे, यहां पर आप देखिए इसका 5% हम कैसे निकालेंगे, 10% दोस्तों क्या हुआ आपका 5, 10% 5 हुआ तो 1% क्या होगा 0.5, और 0.5 आप जब इसको निकालेंगे 25 तो आप देखेंगे 2.5 निकल के आपका यहां पर आ जाएगा। ये हम दूसरे वर्ष की बात कर रहे हैं। तीसरे वर्ष में पहुंचेंगे आप देखेंगे यहां पर क्या अमाउंट आएगा, तो इस लाइन के जो भी इस तरफ वैल्यू होंगी, एक ये है एक ये है एक ये है, ये हालांकि 0 है तो इससे कोई मुझे मतलब नहीं है, तो ये 3 वैल्यू है, आप इसका भी 5% यहां पर रखेंगे, किनका इन तीनों का। तो देखिए 5% इसका मैंने निकाल चुका है तो 2.5 आया था, तो इसका 2.5 आया तो इसका भी 2.5 आया होगा, तो दोनों को मिला के तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आपको इसका भी निकालना है, इसका भी आपको 5% निकालना है, तो देखिए 5% हम कैसे निकालें, देखिए चलिए हम ऐसे सॉल्व कर देते हैं, इसको हम यहां 0 लगा देते हैं। ठीक है, 25 पंचे आपको पता है दोस्तों कितना होता है 125, नीचे कितना है 1000, देखिए 3 0 आया ना, यहां लगा दिया मैंने तो 0.125, बस क्या पूछा आपको सीआई बताना है। चलिए सभी को जोड़ देते हैं, देखिए जोड़िए 150 तो आपका ये है, 150 ये है, 157 दोस्तों आपका ये है और आपका ये 5 यहां पर आपका काउंट हो जाएगा, यानी कि 157.625 आपका सीआई निकल के आ जाएगा यहां से। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हम इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अंतर वाला मैंने आपको बताया, ये आपका अंतर होता है, ये अगर आपका यही पूछ देते कि बताइए सीआई एसआई का अंतर क्या है तो आप क्या बोलते 527 मींस कितना हो जाता, ये भी आपको और दोस्तों ये भी आपको काउंट करना पड़ता, सॉरी ये आपका पूरा अंतर है कौन सा ये वाला, तो ये सभी आपको काउंट करना पड़ता। ठीक है ना, सभी आपको काउंट करना पड़ता तो आपका ये अंतर निकल के आ जाता। यहां से कुछ भी आपसे पूछा था दोस्तों सभी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एपिसोड था, ऐसे निरंतर एपिसोड आपके आते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।